हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामशाला। एग्जामशाला में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु शुक्ला, आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो बैंकिंग यानी जीए पोर्शन पे आए हैं। तो जीए में जो बैंकिंग पार्ट होता है, बैंकिंग अवेयरनेस, उस पार्ट से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन 2015 से 2018 के आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में पूछे गए फेज वन में। तो ये फेज वन के क्वेश्चन हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द आरटीजीएस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ मनी ट्रांसफर। टी स्टैंड्स फॉर, यानी टी का मतलब क्या है? तो आप लोग आरटीजीएस का मतलब जानते होंगे। आरटीजीएस का मतलब क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो इस हिसाब से ऑप्शन सही होगा इसका डी। चलिए आरटीजीएस के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं। देखिए आरटीजीएस एक ट्रांसफर मोड सिस्टम है जिसको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। चलिए आरटीजीएस का मतलब क्या है? तो सपोज दैट आप मान लीजिए कोई बैंक ए है, आपका बैंक ए है, ठीक है, आपका अकाउंट बैंक ए में है और किसी आपको ऐसे बंदे को पैसा भेजना है जिसका अकाउंट बैंक बी में, या फिर उसका सेम बैंक में अकाउंट हो सकता है बैंक ए में ही अकाउंट हो, तो आप क्या कर सकते हैं? बैंक ए से बैंक बी की तरफ जब आप पैसा ट्रांसफर करेंगे तो इसकी मिनिमम लिमिट जो होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। 2 लाख। और मैक्सिमम लिमिट की अगर कोई बात करे कि मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम लिमिट की कोई इनफाइनाइट, मतलब मैक्सिमम लिमिट कुछ भी हो सकती है, तो इनफाइनाइट सर, ठीक है, तो मैक्सिमम इनफाइनाइट और मिनिमम कितना? 2 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए जो है मिनिमम और मैक्सिमम इनफाइनाइट। अगर आप पैसा भेजते हैं तो क्या ये 24x7 सेवा, मतलब 24 घंटे सातों दिन ये सेवा उपलब्ध? तो आप कहेंगे नहीं, 24 घंटे सातों दिन सेवा उपलब्ध नहीं। ठीक, तो कितना कब तक है? ये वर्किंग डेज में है, ये वर्किंग डेज में है, और वर्किंग डेज में ये सेवा जो है सुबह 6, मतलब सुबह आठ बजे से और शाम को 6 बजे तक ये सेवा उपलब्ध है। ठीक है, तो आरटीजीएस में मिनिमम लिमिट आपको याद रखें कि मिनिमम लिमिट 2 लाख है और मैक्सिमम लिमिट कोई लिमिट नहीं है। वर्किंग डेज में 6-8 बजे से शाम को 6 बजे तक। अच्छा, अगर आपसे कुछ पूछे चार्जेस, व्हाट इज चार्जेस, तो इस चार्जेस की अगर हम बात करें चार्जेस कितने रहेंगे, तो इंडिया में ही अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं, तो इसके लिए कोई भी चार्जेस, नो चार्जेस। लेकिन आप किसी फॉरेन कंट्रीज में पैसा भेजते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में आपके इसमें चार्जेस लगेंगे, तो यहाँ पर आपका चार्जेस रहेगा। जब आप इंडिया से किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में पैसा भेज रहे हैं तब, तो कितना चार्जेस रहेगा? चलिए चार्जेस रहेगा 2 लाख रुपये से, 2 लाख रुपये से 5 लाख में अगर आप पैसा ट्रांसफर करें तो आपका जो है चार्जेस लगेगा 25 रुपीज। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से ज्यादा है, तो आपका चार्जेस लगेगा 50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये ये चार्जेस रहेगा, ये जो आप चार्जेस रहेगा ये जो है फॉरेन कंट्री में भेजने से होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी एक्सचेंज। तो इंडिपेंडेंट कमोडिटी एक्सचेंज क्या है? तो आपका इंडिपेंडेंट कमोडिटी एक्सचेंज है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, यानी एमसीएक्स। MCX, चलिए आप लोग बताइए जरा MCX को कौन रेगुलेट करता है? तो MCX को रेगुलेट करने वाला है प्रेजेंट टाइम पर सेबी। इससे पहले जो है सेबी से पहले एक कमीशन हुआ करता था जिसका नाम था FMC, यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो पहले जो है MCX को रेगुलेट कौन करता था? FMC। अब कौन रेगुलेट कर रहा है? सेबी। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंसस 2011 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 1.2 बिलियन ओवर द लास्ट 10 इयर्स फ्रॉम 2001। तो 2001 से 2011 के बीच में कितनी जनसंख्या बढ़ी है ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, यानी 181 मिलियन जो है जनसंख्या इतनी बढ़ी है। तो इसका परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखेंगे परसेंटेज के हिसाब से जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो परसेंटेज के हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है इसमें 17.7%, यानी 17.7% ये जनसंख्या बढ़ी है जो 2001 से 2011 के बीच में। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि पर ईयर ग्रोथ रेट हमारी क्या है, पर ईयर ग्रोथ रेट क्या है कि जो 2001 से 2011 के बीच में है? तो 1.64%, 1.64% ये हमारी पर ईयर की ग्रोथ है, यानी आप जो है पर ईयर ग्रोथ इंडिया में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो रही है वो कितने परसेंट है? 1.64%। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईसीएस इज द टर्म एसोसिएट विद, यानी ईसीएस जो है वो किससे संबंधित है? तो ईसीएस आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से संबंधित है, यानी
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। तो ईसीएस जो है ये बैंकिंग इंडस्ट्री से संबंधित, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इस हिसाब से क्या सही होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द पेमेंट ऑफ लोन इज डन बाय ईएमआई टू द बैंक। ठीक है, द अल्फाबेट ई द एब्रीवेशन ऑफ ईएमआई स्टैंड्स फॉर। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप ईएमआई का फुल फॉर्म बताइए, जैसे कमेंट में मेंशन करिए, कमेंट में मेंशन करिए ईएमआई का फुल फॉर्म। तो ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इस हिसाब से इक्विटेड का फुल फॉर्म यानी ऑप्शन सही होगा क्या? डी। ठीक है, जब आप लोन लेते हैं बैंक से, आपने बैंक में लोन लिया तो मंथली आप जो पेमेंट करते हैं उसको, तो उसको ईएमआई बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरबीआई द बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया एफबीआई हैड नाउ टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एमआईबीसीआर बेंचमार्क रेट एज अ फंक्शन विच वॉच अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि बेंचमार्क, चलिए बेंचमार्क का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट इज अ बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब होता है कि जो प्राइस चल रहा है, जो वैल्यू चल रही, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है, वो प्राइस का एक मिनिमम रेट कितना होना चाहिए, तो उसका मतलब होता है बेंचमार्क। ठीक है, तो बेंचमार्क यानी फाइनेंशियल मार्केट की तरफ बात करेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट में यानी यहाँ पर अगर आप बात करें कि जो आपका कैपिटल मार्केट है और फाइनेंस जो मनी मार्केट, तो इन दोनों से मिलकर बना होता है यानी फाइनेंशियल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में जो बेंचमार्क रहता है उसको कौन जो है उस टर्म्स में एमआईबीसीआर, अभी हाल ही में बेंचमार्क रेट जो है किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि द ओके बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथमा बैंक इज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1975 विद द इट्स हेडक्वार्टर इन मुरादाबाद। मुरादाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसे इसका स्पॉन्सर कौन है? तो स्पॉन्सर इसका है सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक के द्वारा जो है ये स्पॉन्सर किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग बताइए 1975 में जब आरआरबी एस्टैब्लिश हुई थी तो आरआरबी की स्थापना जो है वो किस कमेटी पर हुई थी? तो आरआरबी की स्थापना हुई थी नरसिम्हन कमेटी। आरआरबी की स्थापना हुई थी नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन कमेटी के हिसाब से आरबीआई एक्ट क्या है? तो आरबीआई एक्ट जो आया था वो आया था 1976 में। इसके आधार पे यानी 19 जो है आरआरबी एस्टैब्लिश किए गए थे, 19 आरआरबी एस्टैब्लिश किए थे, जिसमें जो है चार राज्यों में सबसे पहली बार स्थापना हुई थी, जिसमें मुरादाबाद सबसे पहला था जहां पर प्रथमा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था। मुरादाबाद कहाँ है? यूपी में। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द पर्पज ऑफ मुद्रा बैंक to be set up the through statutory enactment would be responsible for regulating and the refinancing. तो मुद्रा बैंक किसके लिए कार्य करता है? तो मुद्रा बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए कार्य करता है, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि जो सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए। मुद्रा बैंक कब लॉन्च हुआ था आपको ये बताना है, मुद्रा बैंक कब लॉन्च हुआ था? तो मुद्रा बैंक की स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 2015 को, यानी 8 अप्रैल 2015 को उसकी स्थापना हुई थी 2015 को। और ये जो है मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है, जिसमें इसकी मिनिमम लिमिट यानी 50,000 तक शिशु योजना के अंतर्गत, 50,000 तक शिशु योजना के अंतर्गत, और 50,000 से 5 लाख तक, यानी जब 5 लाख की बात करेंगे तो 5 लाख तक जो है वो इसमें किशोर योजना के, और 5 लाख से 10 लाख पर यानी तरुण योजना के अंतर्गत इसमें आप लोन ले सकते हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इससे बेस्ट ऑप्शन, यानी यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ट्रस्टीज एसोसिएशन एंड बॉडीज आर नेशनल पॉलिसी ऑन कैपिटल गुड्स हैव रिसेंटली बीन ड्राफ्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय द। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि नेशनल पॉलिसी ऑन कैपिटल गुड्स, नेशनल पॉलिसी जो बनाई गई है कैपिटल गुड्स पर वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो यहाँ पर ऑप्शन सही है डिपार्टमेंट ऑफ द हैवी इंडस्ट्रीज, यानी डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा
जो भारी उद्योग है उनके द्वारा, यानी जो कैपिटल गुड्स होता है एज इट इज कैपिटल गुड्स यानी हैवी इंडस्ट्रीज में होता है, तो हैवी इंडस्ट्रीज के हिसाब से यहाँ पर कैपिटल गुड्स डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक विद इट्स हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर इसका पूछा कि बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर इसका कहाँ है। ठीक है, तो बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, बैंक ऑफ एक ट्रिक आपको बताता हूँ, एक ट्रिक है कि बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है, बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसी तरफ से यानी जितने भी आपके बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जो भी एंड होगा बैंक, उन सभी का हेडक्वार्टर जो है वो एज इट इज मुंबई में ही होगा। ठीक है, वो एज इट इज मुंबई में ही होगा। ठीक है, तो मैं मुंबई में उनका हेडक्वार्टर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कमोडिटी मार्केट रेगुलेटर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन हैज फॉर्मली मर्ज विद। तो ये जो कमोडिटी मार्केट हुआ करता था, यानी जिसमें हमने पहले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके कि MCX, यानी MCX जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है इसको पहले कौन रेगुलेट करता था, इसको रेगुलेट करता था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। अब ये जो है मर्ज हो गया है किसमें, सेबी में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में मर्ज हो गया, तो अब से जो है यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है वो MCX को, जितनी कमोडिटी मार्केट है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, उसको रेगुलेट करेगा। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द इंडियन बैंक इज नॉट परमिटेड टू द ग्रांट लोन ऑफ अदर कस्टमर्स। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कस्टमर ऐसा है, कौन सा बैंक ऐसा है जो है लोन नहीं देता है, यानी कस्टमर्स को अपने लोन नहीं प्रोवाइड कराता। तो कस्टमर्स को अपने लोन ना प्रोवाइड कराने, क्या कोऑपरेटिव बैंकों से लोन नहीं मिलता? यस, मिलता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या स्मॉल बैंक हमें लोन नहीं देते? देते हैं, यस देते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स लोन नहीं देते हैं, लोकल एरिया में भी लोन एग्रीकल्चर के लिए प्रोवाइड कराते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पेमेंट बैंक, यानी पेमेंट बैंक जो है किसी भी प्रकार का लोन नहीं प्रोवाइड कराता, क्योंकि ना तो ये क्रेडिट कार्ड देता है, ना ही ये क्रेडिट कार्ड देता है और ना ही ये किसी भी तरीके का लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो पेमेंट बैंक प्रेजेंट टाइम पर कितने पेमेंट बैंक है, तो 11 पेमेंट बैंक है। चलिए 11 पेमेंट बैंक है इंडिया में। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि 11 पेमेंट बैंक होने के साथ साथ इंडिया में कौन सी ऐसी कमेटी थी जो पेमेंट बैंकों के आधार, मतलब पेमेंट बैंकों के बनाने के लिए यूज हो, तो पेमेंट बैंकों की एस्टैब्लिशमेंट के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि ये जो है आपका पेमेंट बैंकों के लिए कौन सी कमेटी बनी थी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अलाउड द एंटिटी टू सेट अप अ पेमेंट बैंक। तो हमने पूछा था अभी पेमेंट बैंकों से रिलेटेड कौन सी कमेटी बनी थी, इसके लिए कमेटी थी नचिकेत मोर। तो पेमेंट बैंक जो है क्या काम नहीं करते, क्या एक्सेप्टेंस डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम इंडिविजुअल, ये डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यस एक्सेप्ट करते हैं। इसकी सीमा कितनी होती है, मैक्सिमम 1,00,000 करते हैं, यानी मैक्सिमम एक लाख रुपए तक ये जो है पैसा एक्सेप्ट करते हैं। क्या ATM सेटअप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। अदर इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट फैसिलिटीज कर सकते हैं, कर सकते हैं। यानी ये जो है NRI से किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं ले सकते, NRI से किसी भी प्रकार का डिपॉजिट नहीं ले सकते, और ना ही ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते, और साथ साथ में ना ही ये NRI से जो है कोई पेमेंट ले सकते। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अलाउड द 11 एंटिटीज ऑफ पेमेंट बैंक, सेम क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली अलाउड 11 एंटिटीज टू सेट अप पेमेंट बैंक, दे पेमेंट बैंक आर नॉट परमिटेड। ठीक है, ये शायद सेम क्वेश्चन हो चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBIRD इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट ऑफर्स लोन टू। तो ऑफर्स लोन टू यानी क्या कर सकते हैं, यानी जो है जो अपना IBIRD है, ये IBIRD क्या है, वर्ल्ड बैंक का एक इंस्टीट्यूशन है, यानी वर्ल्ड बैंक की एक संस्था है,
वर्ल्ड बैंक एक संस्था जो क्या करती है, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करती है। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए ये 15 क्वेश्चन हमने आज लोग डिस्कस किए हैं, ये बैंकिंग से रिलेटेड है, बैंकिंग से आगे इसके और भी वीडियोज आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और जो है जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। थैंक यू क्लास।